अध्यक्ष का काम मेरे देखो क्या है। हम ये अल्गोरिथम हिसाब से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टेज पर जहां भी व्यवस्था बने, जब भी जहाँ कोई प्रोग्राम हो, पूरा हरियाणा टकटकी लगाए बैठे है। एमपी साहब हरियाणा आपके साथ है, समझना आपने। रही दूसरी बात, एक भाई सरकार में शामिल हो गए, निकाल दिया तो उसका बहाना देखो क्या बना रहा है। अब भाई मेरी क्या उनसे पेंशन आकरिजिया निकाल दिया या रो तक भेजते हैं, आपके सामने कोई नहीं रुकेगा, आप सफेद का कंट्रोल कर लो। धन्यवाद गीता की आखिर में भाई देवेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नेता हमने नहीं देखा है। पंडित जी राम राम। नमस्कार जी। पंडित जी कैसे हो? ठीक है जी। आप बड़े खुश नजर आ रहे हो आज। आज जी दीपेंद्र हुड्डा की रैली में आए हैं, ये सभी कार्यकर्ता हैं जी, ये बड़े खुश है, तो मन भी खुश होना पड़ेगा। खुश हो आज भाई, देख सको 36 बरादरी आ रही है, आप देख सको भाईचारा भाई कितना मजबूत है बेरी में, देख सको दीपेंद्र हुड्डा के साथ हाथ मिला लिया भाई इन लोगों ने, देख सको तस्वीरों के माध्यम से जी। कहाँ से आए भाई साहब? पापड़ो आ रहे हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। तो प्रधान जी आज बुंडू प्रधान का काफिला देख के क्या नजर आ रहा है आपको? दिल खुश हो गया, इतना लंबा काफिला पछे ताई कतिवड़े ताई सारा गढ़ नौना लाग रहा है, हरी बतौर गाड़ी आने लाग रही है, देखते आवा दे गाड़ी आने लाग रही है। कौन कौन से काम आ रही है यहाँ पे आज प्रधान जी? हम तो बापड़ो दे रहे हैं जी, मेरी हल्के दे और बुंडू प्रधान जी के साथ है, पाछे ने पूरा काफिला खड़ा है जी। जी बताई जा रही है, कह रहे हैं भूपेंद्र के साथ जुड़े हुए, हम तो पहले से ही जुड़ रहे हैं भूपेंद्र की सेवा में, बता रहे हैं प्रधान जी। इलेक्शन है जी, एक तरफ जी अंकल जी, एक तरफ इलेक्शन है भूपेंद्र का। हाँ जी। हाँ जी, कांग्रेस की सरकार आई पक्का पक्का भाई, देख सको हो। राम राम अंकल जी। राम राम जी। अंकल जी बताओ आप भी कुछ आज बुंडू प्रधान जी समझ गए? हम समझ गए, याद आ गई, ये जो टट्टू खेकर है ना वो इसका आगे आ जाएंगे जी। दीपेंद्र तो है, कितने वोटा तो जीत लगे दीपेंद्र की अब की बार? बहुत ज्यादा वोटा जीते गए बिल्कुल जी, रोल तो हम नहीं देंगे, जो पिछले साल करी थी ना वो बात नहीं है, नहीं ही बिकेन। ये देख सको भाई, खट्टर जो हटा है वह चाल है इनकी। अच्छा अच्छा, जो ये बड़ा है ये तो जातीय समीकरण साधने की कोशिश करी गई है मोदी जी का काम है, धर्म जाति और क्षेत्रवाद पर लड़ाना, जैसे गुजरात में पटेल गैर पटेल को लड़ा दिया, हरियाणा में जाट गैर जाट को लड़ा दिया, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इसकी तानाशाही से सब जाति सब धर्म एक मोदी सरकार को डगाना चाह रहे हैं, कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं जी। भाई देख सको काफिला बुंडू प्रधान जी हैं, और भाई देखा जाए आपने एक बार गाड़ी दूर तक लग रही है, देख सको आप हाथा में बैनर लिए, ये लोग छारा से कोई रेवाड़ी खेड़े से कोई बापड़ोदे से, देख सको हो भाई। फिलहाल बेरी के अंदर है और भाई 14 काम आगे प्रधान कहे जाने वाले बुंडू प्रधान जी भाई आज अपना पूरा काफिला लेकर बेरी की तरफ रुझान कर लिया। इन्होंने पूछा कि किस्ते में लड़ता है प्रधान जी? राम राम प्रधान जी। राम राम जी। प्रधान जी आज बेरी की तरफ मुंह कर लिया गया। बेरी दीपेंद्र हुड्डा रहे जी। जी प्रधान जी, उसके चुनाव का वो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार शुरू कर दिया। हाँ शुरू कर दिया जी। इसमें भाई कृष्ण मातण, नरेंद्र छारा, पवन दलाल छारा, भाई छारा एक काम इतना भारे पहलवाना का काम है भाई यार, गुंडू जी भी पहलवान रहे हैं ना पहलवान जी। हाँ जी, हाँ जी जी, तो पहलवाना का भी समर्थन आज सभी 37 बरादरी का समर्थन है जी। जी वो तो एक छोटा है नॉर्मल सा प्रोग्राम किया आज जी, अब जिस दिन तक डिक्लेयर हो जाएगी 100-150 गाड़ी लेकर 36 बरादरी की ढेर देने जाऊंगा, सारा काफिला लेकर को 200-300 गाड़ी पीछे रहेगी, मेरे भाई रहेंगे सारी बरादरी रहेगी जी, 36 बरादरी का वो लेना है आज, हर ढेर पर जाएंगे जी। आज के लक्ष्य है प्रधान जी वैसे बेरी में? आज वर्कर मीटिंग है जी, दीपेंद्र हुड्डा रहे हैं, आज शाम में लेट पता लग गया मैसेज फोन बंद हो गया था मेरा खराब होने के कारण, रात में पता लग गया 11-12 बजे जो प्रोग्राम मिल लगा रैली होगी या वोट मांगी जाएंगी, ठीक है ना जी, 36 बरादरी सदा लोग या बच्चा सब कम लग जाएंगे रोड पर जी। हम दीपेंद्र हुड्डा की डी पार्टी, हम दूसरी पार्टी जी जी, एक तो टिकट वो बी, मैं बी का हूँ जी, बी से बी से, तो भाई हुड्डा का भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी से जुड़ रहे हैं प्रधान जी, और आज मुलाकात करेंगे, उसके बाद देखो भाई क्या होता है चुनाव में, लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो भाई साहब आज के लग गए दीपेंद्र हुड्डा के साथ इतनी टीम आई है, क्या उद्देश्य, क्या उद्देश्य बन गया बेरियल?
प्रधान जिया के पास मैसेज आया था, हम प्रधान जिया के साथी हैं, तो हमने पता लग गया कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और डॉक्टर रघुवीर काजन यहाँ मौजूद होंगे। आज कार्यकर्ता सम्मेलन है 14 तारीख का जी, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हमारा सारा गाँव और रेवाड़ी खेड़ा मतने से जो है सभी साथी भाग लिए जी। तो भाई वीडियो ने मन लगा के शेयर कर दियो, देख सको भाई चेहरे कितनी खुशी है आज इन भाई, आज कार्यकर्ता है ये सारे जो भी कार्यकर्ता चल रहे हैं। मेरा नाम समंदर सिंह वाशे का है भाई, रेवाड़ी खेड़े का एक सरपंच। आज भाई हिंदू प्रधान जो 14 गांव हमारा प्रधान है उसके नेतृत्व में यह इतनी बड़ी टीम आई है और अब की बार दीपेंद्र हुड्डा के इलेक्शन में जो पिछली बार मेरे हल्के ने सर्वश्रेष्ठ दिया था ना भाई, गुंडू प्रधान के नेतृत्व में उससे भी दोगुना करके जाएंगे दीपेंद्र हुड्डा के हाथ इतने मजबूत कर देंगे और भाई आगे आने वाला जो चुनाव होगा उस पर फिर दीपेंद्र हुड्डा की प्रधान की ईमानदारी से यही कोशिश करी कि हमारा इलाका आगे जाए, विकास हो और इलाके में सुधार हो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने उस समय जब अपनी सरकार थी झज्जर में, रोहतक में, डेहरी में भाई विकास का प्रयास घूमते देखा था कि नहीं देखा था? मैं पूछना और अब ये 10 साल के अंदर आपने इनका भी देख लिया, तो विकास का पहिया इलाके में दोबारा घूमे खुशहाली की तरफ, आपसी प्यार की तरफ, हमारा इलाका पूरा प्रदेश पटरी पे आए, ये इस बात का यही उस समय जब आपके आशीर्वाद से मौका मिला तो यही एक कोशिश रही कि भाई इलाका आगे जाए और सबका मान सम्मान मेरे से हो, मैं कुछ ऐसा मेरे से ना हो कि किसी एक ही भी आदमी को
भाई मेरी वजह से किसी तरीके की कोई पीड़ा ना, मैं यही मेरी कोशिश रही। मैंने एक भी आदमी दिन में, चाहे मैं 2000 आदमी से मिलता था, 5000 आदमी से मिलता था, रात को सोते था, मगर एक भी आदमी से थोड़ी सी बात हो जाती थी तो मैं नींद नहीं आया करती। और मेरी यही कोशिश थी कि छत्तीसगढ़ कोई भी आदमी मेरा जो है पूरे अपने इलाके का मिले, हरियाणा का मिले, मैं उसकी मान सम्मान में मेरे से कोई कसर ना रहे और हमारा इलाका आगे जाए। यही काम होते हैं भाई, यही काम होते हैं। तो भाई ये अभी मौका है अपने प्रदेश को बचाने का, अपने इलाके को बचाने का, और भाई लोकतंत्र को और संविधान को भी बचाने का, क्योंकि ये संविधान के पीछे भी पड़े हुए हैं, संविधान को भी तोड़ना चाहते हैं और लोकतंत्र की तो के भी पीछे पड़े हुए हैं। खैर मैंने तो लोकतंत्र का ये कैसे गला घोटते हैं उसका मैंने नजारा तो पिछले रोहतक लोकसभा चुनाव में देख लिया था, लेकिन चंडीगढ़ मेयर की गिनती में आपने भी नजारा देख लिया होगा लोकतंत्र का कैसा गला घोटते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको ये कहा है कि हम रोहतक छोड़ रहे हैं आपके लिए, और जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा हम गठबंधन छोड़ रहे हैं। 5100 बुढ़ापा पेंशन की उन्होंने बात कही और कहा कि हम, बीजेपी ने कहा कि हम रोहतक छोड़ रहे हैं आपके लिए, उन्होंने कहा हम गठबंधन छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां इस क्षेत्र के लोग समझते हैं हम तो इनका आशीर्वाद आखिरी सांस तक, जीवन के अंतिम सांस तक भी नहीं छोड़ सकते, और ये दोनों पार्टियां इस सीट को छोड़ने की बातें कर रही हैं, तो इनका क्या इस इलाके के साथ हमारे लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर इनकी क्या सोच होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात जो 5100 की पेंशन की याद आई इनको, जब रोहतक सीट उन्होंने उनको ऑफर करी और उन्होंने कहा कि हम 5100 की पेंशन आप दो चाहे सीट ना दो, ये बड़ी जल्दी याद आई। ये तब याद नहीं आई जब प्रदेश में ये सरकार कर्मचारी पे लाठी चार्ज कर रही थी, जब सरपंचों पे अत्याचार कर रही थी, जब मनरेगा के मजदूरों पे लाठी चार्ज कर रही थी, जब आंगनवाड़ी और आशा वर्करों पे लाठी चार्ज कर रही थी, जब किसान 750 किसानों की जान कुर्बान हो रही थी किसान आंदोलन में, जब हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था, जब हमारे पहलवानों का तिरस्कार किया जा रहा था, जब बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर एक पे पहुंच रहा था, इनको तब तो याद नहीं आई 5 साल तक। तब तो ये बीजेपी के साथ मिलकर भ्रष्टाचारी सरकार में भ्रष्टाचार दोनों डबल इंजन से प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे थे। अब इनको बड़ी जल्दी 5100 पेंशन की आ गई, ये तब आ जाते तो आज हरियाणा के बड़े बुजुर्ग 6000 बुढ़ापा पेंशन ले रहे होते। आज हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को कितना नुकसान इन्होंने कराया है, अगर इनके ईमानदारी से बड़े बुजुर्गों की सोचते और अपनी अपने मलाई खाने की और अपने भ्रष्टाचार की ना सोचते और ये सही समय पे आ जाते तो आज हरियाणा के बड़े बुजुर्ग 6000 बुढ़ापा पेंशन उनकी होगी होती। अरविंद केजरीवाल का यह बयान आया है कि सीएए लागू होने से देश के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से घुसपैठिए घुस जाएंगे, आप देश के लिए खतरनाक है। आप उन्हीं आप जो है जिसने बयान दिया आप उनसे पूछो। अशोक कुमार वो कह रहे हैं कि विपक्ष का जो प्रदर्शन रहेगा उससे दुगना अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा, अशोक कुमार कह रहे हैं। वो तो उनकी पार्टी का जो कोई व्यक्ति है वो उन्हीं की पार्टी की बात करेगा, हम अपनी बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है वो भी भाजपा का अंदरूनी निर्णय है, ये मैं इस पे बता चुका। एक देश एक चुनाव को लेकर अभी राष्ट्रपति, ये भाजपा के नारे बहुत होते हैं काम नहीं होता। नारे तो बहुत थे 10 साल में, उन नारों की हवा निकलते पोल निकलते हमने देखा है। आज कौन सा नारा धरातल पे उतारा गया है मैं पूछना चाहता हूँ। किसान की आमदनी दुगना करने का नारा था लेकिन किसान के खर्चे दुगने हो गए, कर्जा दुगना हो गया। स्वामीनाथन कमीशन लागू करने का नारा था लेकिन स्वामीनाथन की तो दूर की बात है, किसान की एमएसपी बचाने के लिए किसान को आंदोलन करना पड़ गया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वायदा था लेकिन देश में और हमारे हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना हरियाणा नौजवान कर रहा है। आज वायदे बहुत थे, 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा था लेकिन 9 रैंक 9 पेंशन की स्कीम अग्रिपथ ये सरकार लेके आ गई। 100 स्मार्ट सिटी का नारा था लेकिन आज कौन सी स्मार्ट सिटी हुई है देश के अंदर ये बताए। बुलेट ट्रेन का नारा था, क्या क्या नारे थे, अब एक 1 रैंक 1 पेंशन का भी नारा है। काला धन विदेशों से लाने का नारा था, काला धन विदेशों से तो आया नहीं,
लेकिन जिन राजनेताओं के पास विदेशों में काला धन पकड़ा गया उन राजनेताओं को बीजेपी लेके में लेके आगे नारा बदल देते हैं। ये अब ये वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं, ये नारे हैं, नारों की बात है। धरातल पे 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, आज इस बात को लेकर देश की जनता में और हमारे प्रदेश की जनता में रोष है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में पारदर्शिता का नारा था कि चुनाव ही उसमें फंडिंग में पारदर्शिता आएगी, लेकिन ऐसी पारदर्शिता आई कि 99% चंदा एक ही पार्टी के पास पहुंच गया और किस किसने चंदा दिया इसके नाम ही नहीं बता रहे सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद। ये स्थिति आ गई देश में। बृजेंद्र सिंह वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन बृजेंद्र सिंह कह रहे हैं मैं भी बीजेपी हूँ और एक बड़ी रैली करूंगा, अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं तो मैं अपने सभी कार्यकर्ता बीजेपी में आती हूँ, कांग्रेस से आता। देखिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में पिछले 1.25 साल से लगातार 35 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और अब मौजूदा सांसद भी कांग्रेस पार्टी में शामिल जिस क्रम में हो रहे हैं वो प्रतीक इस बात का है कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, प्रदेश में बदलाव आएगा, बीजेपी की सरकार जाएगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी।